अब ये हमारी प्याज लाल हो चुकी है। बिचारों के लिए अब हम डालें इसमें लहसुन अदरक बिना हिसाब के डाल रहे हैं। ये देखो मतलब ये होगा 2 चमचे। वीडियो हट गई। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये है 1 किलो चिकन। इसके हमने कराए हैं छोटे छोटे टुकड़े। ये देखो अब इसको हम भूनेंगे बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए इसका ब्राउन कलर की हो जाए जब तक भूनना। अब ये देखें ये हो गई है लाइट ब्राउन की। लाइट वाइट चली इसके कुछ पता नहीं चल रहा है इतना, लेकिन ये माशाल्लाह खूब अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। ये बहुत अच्छा होता है, यही वाली कंपनी का अच्छा होता है, खुद ही देखना कंपनी उनकी। ये देखें बाशी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक डल गए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हमने साबुत गर्म मसाला तो डाल दिया था, पिसी हुई काली मिर्च भी डालेंगे हम, थोड़ी सी और डालेंगे। 1 किलो में अपने हद की ज़रूरत, जितनी ज़रूरत उतनी डालें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला हद की ज़रूरत। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डल चुकी हैं। ये थी साबुत डाली गई, ये साबुत ही अच्छी लगती हैं, ये अपनी तरफ से उल्टे उल्टे काम ना करें। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और दही साथ, कौन अलग अलग डालता फिरे। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब ये हम इसको चिकन को गलने के लिए रख रहे हैं। ओहो गाइस, एक चीज़ तो हम बताना ही भूल गए, जो सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आपने कभी देखी नहीं होगी। देखें ये हम डाल रहे हैं आलू बुखारा, जिस आलू को बुखार हो उसको आलू बुखारा कहते हैं। हमने ये भी डाली, ये हम रह गए थे नाना। अब ये हम मिक्स कर रहे हैं और अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे, फिर मिलेंगे। में लगे हुए थे और ये दूध भाई आ गए पीछे से ऊपर, और अगर नहीं देखते तो फिर होता चूल्हे का बेड़ा करक। शुक्र है हमने टाइम पे देख लिया। सबको पता ये क्या करता है सबके साथ। देखे हम बना रहे हैं रायता। अब रायते में हमने डाला है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, नमक। अब हम इसको पीसेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाला है। अब देखें हम पीस रहे हैं। देखें रायते की चटनी तैयार है। अब हम बना रहे हैं रायता। ये देखें सलाद भी तैयार है और ये रायता बन रहा है। यम्मी यम्मी, देख के मुंह में पानी आ गया, भूख लग गई है, लेकिन पुलाव भी तैयार नहीं है। जल्दी से तैयार हो चिकन गले तो फिर हम खाएंगे। देखें यम्मी यम्मी सा। हमने सलाद में डाले हैं टमाटर, प्याज, खीरा, लीमू और नमक। अब हम चेक कर रहे हैं कि चिकन गली है कि नहीं। पानी इसमें पानी है अभी थोड़ा बहुत है अभी, ये और पूरा पानी खुश्क हो, घी छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे, फिर हम इसको फिर में चावल डालेंगे। गाइस ये देखें अपने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप समझोगे इतना बड़ा भगोना और इतनी सी पुलाव तो हम खुले में पकाते हैं, खुली खुली पकाते हैं ताकि अच्छी पक के खिलवा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये 1 गिलास। 1 किलो चावल में आप अपने हिसाब से डाल दें, ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। हमने 3 गिलास पानी डाला। अब इसमें उबाल आएगा फिर हम इसमें डालेंगे चावल। चावल हमारे भीग चुके हैं, हमने इसको तकरीबन आधे घंटे भिगोया था। ये देखेंगे चावल हैं। अब देखें ये पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। देखेंगे चावल अच्छी तरह धो के। देखें अभी हम मिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कुकिंग व्लॉग है, कुछ गलती हो तो माफ़ कर दिएगा, ठीक है, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा ये पुलाव, ये अंदाज़ से अच्छी बनाएंगे। वीडियो पुलाव नहीं। ये देखिए चावल मिक्स हो रहे हैं।
अब हम इसमें डालेंगे नमक, कि जब हमने एक चम्मच डाला था नमक, अभी चावल डाल के और डालें, दो चम्मच नमक डालें हमने तकरीबन। अब ये पूरा पानी खुश करके फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये पानी खुश्क हो रहा है, ये देखें गाइस, अब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। देखें ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसको लगाएंगे दम पर। देखें ये कपड़े ढकने में कपड़ा लगा के और अच्छा लगता है दम ये। और इसकी हम बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे और इसको लगाएंगे 15 मिनट तक दम। ठीक है गाइस, अब हमारी पुलाव तैयार हो गई है, अब हम इसको खाएंगे। ये देखें कितनी लजीज लग रही है, देखने में खाने में भी कितनी यम्मी होगी। और ये हमारा सलाद रायता, ये हम प्लेट लेंगे। डालेंगे रायता, और ये डालेंगे हम सलाद। अब खाएंगे हम। ओके बाय, आप भी इंजॉय करें, पका है बहुत मज़ा आएगा।